कैसा रहेगा एग्जाम और उसमें क्या एकेडमिक और जी टी में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वी विल टॉक अबाउट दैट लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट की वन बैंड फाइव बैंड कैसे इम्प्रूवमेंट होते हैं हमारी क्लासेस में एंड यू कैन सी द रिव्यू इट इज इन फ्रंट ऑफ यू बात करते हैं कहाँ से एग्जाम ज्यादातर चांसेस होते हैं आने के सो दीज आर इनको भूलना मत और ये प्रैक्टिस करके जाना अगर हम बात करें ट्वेंटी फिफ्थ नवम्बर एकेडेमिक रीडिंग की तो थोड़ी सी मॉडरेट रहेगी एक पैसेज तो मॉडरेट रहने वाला ही है समरी और मैच द इनफॉर्मेशन करके जाना है और ट्रू फॉल्स ठीक है ये क्वेश्चन करके जाना बात कर रहे हैं इसके पूरी की पूरी लिस्ट जो है दैट इज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम सो यू कैन सी द फुल लिस्ट ऑफ रीडिंग पैसेजेस ऑन टेलीग्राम और फाइनल प्रोडिक्शन दैट इज गिवन इन द क्लासेस ओनली अगर हम चलते हैं जनरल रीडिंग की तरफ दैट इज ऑल्सो लिटल मॉडरेट क्वेश्चन टाइप्स नो हेडिंग्स और समरी करना है लिसनिंग इजी टू मॉडरेट 1.25 की स्पीड की प्रैक्टिस करके जाएं, लॉन्ग एमसीक्यू जरूर करके जाएं, और आपके पास ब्लैंक्स हैं नो मोर देन थ्री वर्ड्स अगर हम देखें स्पेलिंग लिस्ट तो उसमें एडुकेशन थीसिस एनवायरमेंट और नेशनैलिटी ये क्वेश्चन आ सकते हैं देन लेवल देखें राइटिंग टास्क का सो बार टेबल मैप या पाए इसमें से आने के चांसेस हैं हमारे पास सेमी फॉर्मल और फॉर्मल लेटर आ सकती है इन जनरल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेबसाइट मैंने बता दी है फुल लिस्ट ऑफ राइटिंग टास्क टू इज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम आप वहाँ पर जरूर देखें सो ऑल द बेस्ट डू वेल नेक्स्ट जो हमारा Badge hai, that is going to start from 27th November. Jaldi se enroll yourself because main aapko pe. you can see the students have improved their score in 10 days, and they have scored this is before and this is after the class. So you can also improve your scores, right? So increase your one band after 10 days class for sure. Take care, everyone. We'll see you in my next video very soon.